तो बात करते हैं जीव जंतुओं की। मतलब हमारे आसपास छोटे बड़े कई तरीके के जीव जंतु रहते हैं, कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते। मतलब उनकी भी अपनी कंडीशन है, बेचारे क्या करें, जीना है। तो इनमें से मुझे कुछ ना फनी लगते, जैसे कि कछुआ। मतलब 300 साल की जिंदगी, ये सुन के उनको ही जम्हाई आ जाती है। कहते आज मैं तो बोर हो जाऊंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स के आधे कैरेक्टर खत्म हो गए लेकिन मेरी बैटरी अभी भी 98% बाकी है। कहता ए गोल्डी द कछुआ सुन, सावित्री मौसी के यहाँ चले गया, 1 महीना 8 दिन का टाइम पास हो जाएगा, 1 महीना रुकेंगे, 8 दिन आने जाने का। कहता इतना दूर है? कहता हाँ 500 मीटर तो होगा ही, और इतनी अच्छी फैसिलिटी इनके पास कि मोहल्ले भर से उधारी लेके जब वापस लौटाने की बारी आती है खुद के अंदर घुस बैठ जाते हैं। कहते मैं नहीं जानता, बाहर वाले खटखटा के मरे जा रहे, अरे निकलना यार, जब भी आता घुस के बैठ जाता है। फिर जैसे ये थक के चले जाते हैं, ये बाहर निकल के ग्रुप में मैसेज छोड़ देता है कि सॉरी सो गया था। और इतने आलसी, कोई पीछे से आवाज लगाए तो कहता अरे यार सामने आके फेस टू फेस बात कर, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, अभी 5 मिनट पहले ही राइट देखा था। और इतने सीधे साधे, घुमा के जवाब देना आता ही नहीं। तो एक बार समंदर में 3 कछुए लाइन से तैरते हुए जा रहे थे, तो लास्ट वाले को ऐसा लगा कि अचानक से पानी गर्म हो गया है। तो वो अपने आगे वाले से पूछता, कहता ए फफून भाई तू सुसु किया क्या? और उसका भी सीधा जवाब, तो लगा था तो कैसे। फिर आती है मकड़ियां, मतलब 8 पैर, इनका सारा दिन उंगलियां चटकाने में निकल जाता है। और जैसे ही लास्ट उंगली की बारी आती है तब तक पीछे के सारे रीलोड, ऊपर से आठों टांगों के बीच में बड़ा सा गैप, बच्चे रस्सी कूदते आते बीच में से बुलक जाते। एक बच्चा साइकिल चलाते हुए आया, पीछे की टांग में घुसा दिया, कहता है सॉरी बड़े पापा। फिर क्या, अगले दिन बड़े पापा की नौकरी शतरंज में एज अ घोड़ा लग गया, उसमें क्या है ढाई चाल चलने से मतलब। ये सारा दिन एक ही काम करते रहते हैं, एक जगह खड़े होके गलत तरीके से पुशअप्स मारना। ऐसा जाल के बीच में दिन भर पेशेंस मार के बैठ रहते हैं, और जैसे कोई कीड़ा फंसता है जाके लपेटने लग जाते, ऐसा लगता है कोई गर्म रोटी एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट रहा हो। और अगर कोई मकड़ी एक जगह बैठ के दिन भर थूक रहा है, इसका मतलब ये नहीं फालतू है, इसका मतलब वो बिल्डर है, बिल्डिंग बना रहा है। जिस मकड़ी के पास जितना थूक वो उतना अमीर, ये थूक को तिजोरी में रखते हैं, इनके बैंक में थूक का ट्रांजेक्शन होता है, घर का कागजात गिरवी रख के थूक लोन में ले जाते हैं। कुछ लोग तो लोन में इतने डूब जाते हैं कि सुसाइड ही कर लेते हैं, थूक की उधारी में सुसाइड। इनकी बेटियों की शादी टूट जाती है, कहते ससुराल वाले दहेज में 1 लीटर थूक मांग रहे हैं। ये रास्ते चलते कहीं थूक दे, पीछे वाला कहते भाई साहब आपका थूक गिर गया, ओह सॉरी। इनकी फेवरेट मूवी है स्पाइडरमैन, क्योंकि बचपन में आई थी मकड़ी, सारे देखने गए निराश लौट गए, कहते यार पूरी फिल्म में ना कोई मकड़ी हीरो है, ना हीरोइन है, ना प्लेबैक सिंगर है, एक भी मकड़ी का नाम तक नहीं। हाँ एक सीन में एक मकड़ी दिखाई दी थी, बाद में पता चला अपना ही बंदा पर्दे पे चढ़ा है। फिर आती छिपकलियां, ये सबसे ज्यादा डरपोक जीव, मुसीबत में खुद का साथ नहीं देती हैं, पूंछ छोड़ के भाग जाती हैं। तो आपके घर में अगर छिपकलियां हो कुछ नहीं करना, रात को फुल साउंड में हॉरर मूवी चला के घूमने चले जाओ, जैसे ही वापस लौटोगे छिपकलियां गायब, खाली पूंछ ही पूंछ, दिन भर दीवार से चिपके रहते हैं, ऐसा लगता है इनका चिपको आंदोलन चल रहा है।
कुछ बेवकूफ तो हाई फाइव देने के चक्कर में दीवार से गिर जाते। और इनसे पूछ लो कि शादी के बाद वाइफ को कहाँ रखेगा, कहता किचन की दीवार पे। फिर आते चूहे, मतलब इतने गंदे कि आईने में खुद की पूंछ देख ले दो दिन तक खाना नहीं खा पाते। और दिन भर कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं। अभी सूंघ क्या रहा है, बदबू तेरे में से ही आ रही है। एक ऐड आता टीवी पे लाइफ बॉय का कि ये मारे 99.9% कीटाणु। सॉरी भाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वॉशरूम के चूहे यही खा खा के बड़े हुए। एक चूहा तो चिट्ठी भी छोड़ के गया था कि भैया बड़ा वाला लाया करो, छोटे वाले से फैमिली नहीं चलती। अबे साबुन है कि उज्ज्वला योजना। ऊपर से रेलवे स्टेशन के चूहे, मतलब इतने बड़े ऐसा लगता है अभी पटरी को उतार देंगे। बाकी जगह कहावत चलती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, यहाँ के पलट जाता है कि 100 बिल्ली खा के चूहा चला अयोध्या, क्योंकि ट्रेन तो यूपी जा रही है। फिर आते हैं कुत्ते, मतलब हर मोहल्ले में तीन टाइप के कुत्ते होते हैं। पहला वाला होता है जो मार्केट में नया आता है, बिल्कुल इनसिक्योर, डरा हुआ, ये खाने से ज्यादा ये देखता है कि पत्थर कहां से पड़ सकता है। इनको आप 100 मीटर दूर से भी बुलाओ ना, ऐसा भागते कि हिंद महासागर पार करके सीधा अफ्रीका। ऐसा उनको लगता है, असल में वो होता है नागपाड़ा का नाला। और दूसरे टाइप के कुत्ते होते थोड़े आशावादी कि हाँ हो सकता है शायद कुछ दे दे, लेकिन ये डिस्टेंस मेंटेन कर रखते हैं, कम से कम 50 मीटर। तो अगर आप इनको बुलाएंगे तो वो उधर भागने की पोजीशन में मुंडी अपनी तरफ थोड़ा औकात चेक करता है कि हाँ दे सकता है कि नहीं। और जैसे जैसे आप उनके पास जाएंगे वो और थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन, कहता जो देना फेंक के दे, लास्ट टाइम इस चक्कर में पड़ा था सर पे ऐसा डंडा पड़ा याददाश्त चली गई थी, बिल्लियों के साथ घूम रहा था बताओ। और तीसरी टाइप का कुत्ता होता है बिल्कुल मैच्योर्ड, ये जीवन का अग्निपथ पार कर चुका है, ये टस से मस नहीं होता। इनको आप पत्थर भी फेंके मारो इनका रिएक्शन और मेरे पर्सनल फेवरेट टार्डिग्रेड्स, ये एक सूक्ष्म जीव है जो 150 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और -272 की ठंड भी, जो बिना खाए पिए 3 साल तक जिंदा रह जाते हैं। तो एक बार किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये अंतरिक्ष की ठंड और रेडिएशन बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, तो इनको स्पेस में लेके गए और खुला छोड़ दिया। फिर वापस लाके देखे कि जिंदा है कि नहीं, मरना तो छोड़ो 1000 के 1200 हो गए थे, साले हनीमून मना के आ गए। उनको लगे ये शिमला ट्रिप था।